यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए एक पीछे जाने का, पीछे से जाने का कोई दरवाज़ा है, बट ये बंद है। और यहाँ पर भी, ओ भाई साहब, यहाँ पर भी देखिए, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम जाने वाले हैं त्रिपुरा के एक जगह पर जिसको बोला जाता है त्रिपुरा जमींदार बाड़ी। ये मौजूद है त्रिपुरा के विशालगढ़ बश्कनगर जगह पर। ये जगह आप लोग शायद त्रिपुरा का जो बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े जो एल्बम आते हैं ना, जैसे फानोलिक्स, छोकरे, ZB एंटरटेनमेंट तरह से बहुत एक साल पहले करीब एक एल्बम आया था दुर्गा पूजा के ऊपर, उसमें भी शायद इस जगह पर शूटिंग किया गया है। ये जगह करीब आज से बहुत साल पहले बनाया गया गया था जब राजाओं का वक्त था उस समय। इसको कोई राजा बोल के गया था उस, मुझे ठीक तरह से याद नहीं, बट आप लोगों को साइड में एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, ये आप पढ़ सकते हैं। ये बनाया गया था 1340 साल में, हाँ 1340 साल में, मतलब बहुत पुराना है। आज हम इसी जगह पर जाने वाले हैं और देखेंगे ये जगह कैसा है और घूमने के लिए कैसा, और फोटोशूट स्पेशली फॉर फोटोशूट लवर के लिए ये जगह कैसा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी शुरुआत आया राइड, तो फिलहाल राइड का मजा लीजिए और मिलते हैं आपको डायरेक्ट जमींदार बाड़ी। बहनों, हम आ चुके हैं और थोड़ा सा ही रास्ता बाकी है और आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ जमींदार बाड़ी जाके। और आई होप आप लोगों को राइड पसंद आ रहा है। भाई और बहनों, फिलहाल हम जमींदार बाड़ी आ चुके हैं और हम लोगों ने जैसा सोचा था ये इस जगह पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सामने देख सकते हैं, ये कोई मतलब हमारा बाप जी गीता दो। वो अभी देख सकते हैं हम आ चुके हैं और ये है इस जगह का गेट। आप गेट देख सकते हैं, बहुत ही पुराना गेट है इस जगह का। तो अभी आप लोगों को अंदर जाके दिखाता हूँ। और दोस्तों, ये वही जगह है जिस जगह पर हर साल दुर्गा पूजा किया जाता है। इसी मंडप में, ये पूजा का मंडप है, इसके अंदर दुर्गा पूजा किया जाता है। और सामने तुम लोग देखते पाते तुम्हारे धान सूखा जैसे। वहाँ पर कुछ मिला है हम लोगों को और जाके देखते हैं वहाँ पर क्या है। इधर तो देखते हैं साकाटा पूरा मैंने ग्राम साइड है, जंगल मतन लगता से। और इधर जन किता से एक बड़ो पुकुर से और इधर जन किता मनकार समाप्ति। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये शायद कोई समाधि हो सकता है और ये भी कोई समाधि है शायद। ये देखिए, सॉरी ये टॉयलेट है, लोल हो गया मेरा। और ये देखिए कि फाक लड़ा के आगे दूर है तसे खाली छापे का मुद्दे। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये शायद किसी का समाधि है। हाँ दोस्तों, ये किसी का समाधि है, पर किसका समाधि है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं साइड। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये समाधि उसका है जिसके नाम से ये जमींदार बाड़ी बोला जाता है और ये जमींदार बाड़ी को बनाया गया है, ये उनका समाधि है। और ये देखिए फिलहाल ये आपका नीचे समाधि है, ये आप घर जैसा कुछ देख सकते हैं। और पीछे भी कुछ नहीं है, पीछे जब जंगल है और यहाँ पर बहुत बड़ा एक तालाब है ना। सबसे बड़ा जो बात है, यहाँ पर हम लोगों ने जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जस्ट सिंपल एक घर जैसा ही है कुछ है। हम लोगों ने सोचा था बहुत बड़ा राजमहल बन गया तो ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तू कौन? सबाई देखो जगह देख के कारो पसंद है ना, किंतु फोटो शूट लिया सबार पसंद है। দাও এদিকে দাও, এদিকে দাও কত সব व्हाट आर यू डूइंग? এই সব দেখায় বানা দেয়। লজ্জা লাগা দরকার, লজ্জা লাগা দরকার। এ আমার আমটা ক্যামেরাম্যান এই সুবিধা কিছু ভক্তি পদে সুবিধা, লজ্জা ভাই লাগে আমার সামনে এলে। লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, বয়েজ এন্ড গার্লস, কথাটা হইলো একটু ঘুরিয়া ফিরা কথা। ফটোশ্যুট করতে চাইলে করতে আইতে পারবা, ফটোশ্যুট কে লিয়ে বহুত হি আচ্ছা জায়গা হ্যাঁ। পুরানে কুছ
दीवारें मिल जाएंगी आप लोगों को फोटोशूट के लिए मिनिमम जगह, ठीक है। और पीछे आप लोग एक जगह दिखाता हूँ, इसमें शायद ये जो जमींदार बाड़ी जिसको बोला जाता है, मतलब जो जमींदार था उसका घर था शायद। आप ये देखिए, ये देखिए रोबिनो टावर गौर मतलब लगता सही। जमींदार बाड़ी का जो जमींदार था शायद ये इसका घर है। अगर हम ऐसे ऊपर जाते हैं तो फिर ऊपर जाने का तो ऐसा सीढ़ी नहीं है, बट यहाँ पर दरवाज़ा ताला है और यहाँ पर जो ये घर है बहुत पुराना है शायद। सकते हो तो रात्र वाले बुतर भी लेंगे वो। तो ऊपर जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पर। अगर आप लोग फोटोशूट करने के लिए आते हैं या फिर कोई एल्बम सॉन्ग बनाने के लिए आते हैं तो फिर आप आ सकते, और नहीं तो ऐसे अगर घूमने के लिए आते हैं तो ये ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है, देखने के लिए कुछ नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, एक और पीछे एक घर है। चलो आप लोग को जा के दिखाता हूँ, पीछे एक घर है ये भी बहुत पुराना है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए एक पीछे से जाने का कोई दरवाज़ा है बट ये बंद है। और यहाँ पर भी, ओ भाई साहब, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी कुछ घर है, बहुत ही पुराना घर है। और यहाँ पर भी पुराना, एक बहुत पुराना घर है। और ये इसमें शायद राजाओं का घोड़ा या फिर जो पहरेदार रहते थे यहाँ पर, बहुत ही पुराना है। और यहाँ पर देख सकते हैं घास फूस कितना ज़्यादा हो गया है। और इसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये दुई तला गोट्टा। और ये दिखे कतरी घर आ, और ऊपर से एक तो देखा ही था से दिए सूला आसे कतरी मांसे काटता से। और भीतर तो एमन किच्छू नाई, पर आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते, ये बहुत ही पुराना घर है। सामने भी इतना कुछ नहीं है। और ये जो जगह है इसमें शायद जो पहले मैंने फहारादार एमन किच्छू थकतो, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं घास फूस बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें इसके अंदर शायद पहले जो यहाँ के पहरेदार रहते थे। ये देखिए यहाँ पर खाली है सब। एल्बम सॉन्ग बनाता है वो इस जगह पे आ सकता है एल्बम सॉन्ग के लिए, ठीक है। फानोलिक चौकरेती पूरा का जो एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है उसका एक एल्बम आया था यहाँ से। तो कुल मिला के आप यही बोल सकते हैं इस जगह पे आप अगर आप कोई वीडियो करते हैं तो फिर यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल नहीं आया, यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। इस जगह पर सभी अभी फ़ोटोशूट कर रहे हैं। हमारा दो एंटोक है, एक डीओ है। और ये देखिए ये लोग पोज दे रहे हैं फ़ोटो का। ये देखिए सब फ़ोटो का पोज दे रहे हैं यहाँ पर। आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और आई होप आप लोग का ये वीडियो पसंद आएगा। इटा देख क्या कोई इधर कोई तो बार ऐसा कारण में ऐसे बेसिक उन्हें कलाब नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। हम लोगों का सुमिता कुछ बोलेगा, ये सुनिए। एकदम एम मैं देह जिस नाई जहाँ जो क्यों मैं भलो फोटो शूट करते तो लाइते पर ना तो नहीं। यदि समाप्त होता से आज का वीडियो है, तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई और बहनों, अभी आप वीडियो में एक छोटा सा क्लिप ऐड कर रहा हूँ। ये होगा एक अगरतला ग्रामेर व्यू, खूब ही सुंदर बिकाल टाइम 5 बजे कौन। तो आई होप आप लोगों का ये व्यू पसंद आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर सब लोग अभी इस जगह पे फोटो शूट करेंगे। तो देखिए सो ये देखिए ये हमारे यहाँ पर जो विलेज होता है, विलेज का नज़ारा कितना सुंदर। तो ये जो व्यू है ना, सिर्फ आप लोगों को मैंने अपना ग्रामे देखते पार्बन शोर है जाना।